Hello students, welcome in a new video. Here we are studying the total differential equation p dx plus q dy plus r dz is equals to 0. ये जो equation है total है और integrable है. ये दोनों कंडीशन यदि फुलफिल है तो और इक्वेशन होमोजीनियस है एंड इक्वेशन इज होमोजीनियस. समघात इक्वेशन है तो ये समघात के बारे में अपने को पता है कि होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी हर एक टर्म की डिग्री समान हो. दो डिग्री है तो हर एक टर्म की दो डिग्री होनी चाहिए, फिर तीन की है तो हर एक की तीन होनी चाहिए. होमोजीनियस इक्वेशन है हमारे पास और टोटल इक्वेशन है, इंटीग्रेबल है. तो हम इन यदि ये स्थिति है तो हम यहाँ पर ये मेथड लगाएं तो इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाती है. आप क्या पुट करें, x इज इक्वल्स टू यू जेड और y इज इक्वल्स टू वी जेड उसमें पुट कर दें. कॉरस्पॉन्डिंगली ये चेंज हो गई, डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड डी यू प्लस यू डी जेड और डी वाई इज इक्वल्स टू जेड डी वी प्लस वी डी जेड. ये कॉरस्पॉन्डिंगली सब्स्टिट्यूशन पुट कर लें और इस इक्वेशन को डी यू डी वी और डी जेड में कन्वर्ट कर लें तो ये इजीली सॉल्वेबल हो जाती है, इंटीग्रेबल हो जाती है. केवल इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बाय एक्सिलरी इक्वेशन बनाकर कर सकते हैं या होमोजीनियस हो तो इस तरह से कर सकते हैं. जो हमने मेथड्स पढ़े थे उनमें से ये लास्ट मेथड हम देख रहे हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सवाल लेते हैं मेथड को पूरा समझने के लिए. ये एक सवाल लिया मैंने, वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस जेड इंटू डी वाई और प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो. तो यहां आपको दिख रहा है ये आपका एक टोटल इक्वेशन है जिसमें डी एक्स का कोफिशिएंट पी होता है, ये डी वाई का कोफिशिएंट क्यू होगा और डी जेड का जो कोफिशिएंट है वो आर होगा. पी क्यू आर ये इट इज किस टाइप की इक्वेशन है, इट इज ए टोटल एन इंटीग्रेबल इक्वेशन, टोटल कोमा इंटीग्रेबल एंड होमोजीनियस इक्वेशन. ये क्या है आपकी, होमोजीनियस इक्वेशन है. हर एक टर्म की जो डिग्री है वो यदि आप इन दोनों को अंदर कर दें तो ये टर्म तीन डिग्री का बन जाएगा, ये भी तीन डिग्री का बन जाएगा, हर एक टर्म तीन डिग्री की बन जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन. तो तीन चीजें यहां पर है, टोटल इक्वेशन है, इंटीग्रेबल है और होमोजीनियस है. तो वी पुट, क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू यू जेड और वाई इज इक्वल्स टू वी जेड. कॉरस्पॉन्डिंगली डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या परिवर्तन होगा और डी वाई इज इक्वल्स टू क्या परिवर्तन होगा वो ऊपर लिखा हुआ है, वो कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होंगे. सो वी गेट, यदि हम इसमें पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, वाई जेड, वाई की जगह वी जेड हो जाएगा और ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वी जेड स्क्वायर इंटू वाई की जगह वी जेड लिख दीजिए प्लस जेड और डी एक्स, डी एक्स की जगह हम लिखेंगे जेड डी यू प्लस यू डी जेड प्लस जेड एक्स. जेड तो जेड रहेगा, एक्स की जगह यू जेड रखेंगे तो यू जेड स्क्वायर बन जाएगा ये और यू जेड प्लस जेड और डी वाई की जगह बन जाएगा ये जेड डी वी
प्लस वी डी जेड, और प्लस एक्स की जगह यू जेड और वाई की जगह वी जेड, तो यू वी जेड स्क्वायर बन जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा यू जेड प्लस वी जेड और डी जेड का डी जेड ही रहेगा और इज इक्वल्स टू जीरो। हमने सब्स्टिट्यूशंस पुट कर लिए हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन पुट करने पर हमारे पास ये जो इक्वेशन वन था वो ये आ गया। इसको आप थोड़ा सा इजीली और रीराइटिंग कर लीजिए, रीराइटिंग रीराइट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। आप ऐसा करिए, इसको रीराइट भी कर लेते हैं और साथ के साथ हम इस इक्वेशन को उसमें भी कन्वर्ट कर देते हैं, डीयू की टर्म को साथ रख लेते हैं। तो डीयू में क्या आया आपको देखिए, यहाँ पर डीयू एक तो ये है आपके पास, एक डीवी डीजेड, डीजेड केवल एक टर्म है डीयू की, तो डीयू आप बनाएंगे तो एक तो जेड यहाँ पर है, एक जेड यहाँ से कॉमन आएगा, जेड ऑलरेडी बाहर है, तो क्या बन जाएगा वी जेड की पावर फोर और इंटू वी प्लस वन इंटू डी यू प्लस डीवी की टर्म। देखिए एक डीवी यहां पर है, डीवी की टर्म भी एक ही है, तो यहां से भी क्या बन जाएगा ये सेम टाइप का जेड फोर बन जाएगा, ये यू जेड फोर इंटू यू प्लस वन डीवी डीवी बनेगा ये, प्लस डीजेड की टर्म। डीजेड की टर्म एक आपकी यहां है, एक टर्म यहां है, एक टर्म यहां है, तीन टर्म है, तीनों को साथ लिख देते हैं, मैं यहां लिखता हूं प्लस जेड एक कॉमन आएगा शायद यहां पे, तो ये जेड क्यूब में आ जाएगा, जेड क्यूब इंटू कहां से शुरुआत करते हैं डीजेड यहां से लिखते हैं, तो जेड वी यू प्लस जेड स्क्वायर और एक जेड इधर से कॉमन आया, तो ये जेड क्यूब तो बाहर रह गया, यहां पे यू और वी आ जाएगा, यहां पे भी यू और वी आ जाएगा, और यहां की जो टर्म है वो क्या बन जाएगी आपकी, देखिए यू वी इंटू यू प्लस वी ये टर्म रह जाएगी और इंटू डी जेड बाहर इज इक्वल्स टू जीरो। ओवर करके इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जेड फोर को डिवाइड करा देंगे तो ये बन जाएगा वी इंटू वी प्लस वन इंटू डी यू प्लस यू इंटू यू प्लस वन इंटू डी वी और प्लस बचा आपके पास टू यू वी कॉमन, टू यू वी आपके पास यहां पे है, एक यू वी यहां पे है, तो U प्लस वी और बच जाएगा आपके पास 2UV, U प्लस वी और प्लस वन यहां से बचेगा और इंटू डी जेड अपॉन जेड और रह जाएगा आपके पास। जेड फोर से डिवाइड किया था तो ये जेड फोर यहां कैंसिल हो गया, इसका जेड फोर कैंसिल हो गया, यहां पे जेड क्यूब है तो ये जेड नीचे और रह जाएगा और बराबर जीरो, ये इक्वेशन बन जाएगा। और इसको ऐसे लिख दीजिए आप v v प्लस वन डी यू और डिवाइड करा देता हूं मैं इस पूरी इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा टू तो वही रहने देते हैं, u v और u प्लस v प्लस वन इसको डिवाइड करा दीजिए प्लस u इंटू यू प्लस वन अपॉन u v u प्लस वी प्लस वन
और प्लस टू डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। एक वी वी से कैंसिल हो गया, एक यू यू से कैंसिल हो गया आपके पास, और आपके पास एक ये पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे इसके, तो ये वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वी प्लस वन इंटू डी यू, और प्लस ये बन जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू प्लस वी प्लस वन इंटू डी वी, और प्लस ट्वाइस ऑफ डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू जीरो। इसको भी आप इस तरह से लिख दीजिए, और डी यू अपॉन यू मैं अलग लिख देता हूँ, प्लस डी वी अपॉन ये पहली टर्म यहाँ की पहली टर्म वी, और इन दोनों टर्म को साथ लिख देते हैं। तो ये एक तो डी यू की है, एक डी वी की है, तो ऊपर तो आ जाएगा डी यू प्लस डी वी अपॉन यू प्लस वी प्लस वन। अब आप देखते हैं कि मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेबल फॉर्म में लिख दिया है। ये आप यहां से डायरेक्ट ऑन इंटीग्रेशन, ये स्टेप्स हमने, यदि हम यही कहीं इंटीग्रेशन करते तो ये बहुत मुश्किल हो जाता। अब यहां पे आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। दिस इज योर लॉग u प्लस लॉग ऑफ v माइनस लॉग ऑफ u प्लस v प्लस वन, और प्लस टू लॉग ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो के बजाय आप लॉग ऑफ सी कर दीजिए यहाँ पे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये बन गया यू वी जेड स्क्वायर, और ये नीचे भेज दें या इधर राइट हैंड साइड में लिख दें यू प्लस वी प्लस वन, और यू वी के मान वापस से आप रख दीजिए एक्स अपॉन जेड। यू का यहां से यू क्या बन जाएगा मेरा एक्स अपॉन जेड, तो ये इक्वेशन बन जाएगी और करके एक्स अपॉन जेड वाई अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड प्लस वन, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एलसीएम ले लिया मैंने, ये मेरा आंसर हो गया। तो इंटीग्रेशन ही करना है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन हमें कोई इंस्पेक्शन मेथड को भी ध्यान में रखना है ताकि ये स्टेप्स हमारे इजीली कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक पूरा क्वेश्चन हमने किया है। वन मोर क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर। वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड इंटू डी वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू जीरो। ये भी टोटल इंटीग्रेबल एंड होमोजीनियस इक्वेशन है। हर एक टर्म की डिग्री यहाँ पर तीन और दो पांच टर्म की डिग्री है ये हर एक टर्म, तो ये होमोजीनियस भी है। लेकिन मैं होमोजीनियस मेथड आप लगाएं घर पर, ट्राई करें आप इसको सेल्फ, अपन इसको बाय इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा सवाल। आप इसको क्या करिए, डिवाइड करवा दीजिए डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये वन अपॉन वाई, पहली टर्म यहां से एक्स स्क्वायर खत्म जेड स्क्वायर खत्म और एक वन अपॉन वाई माइनस एक्स जेड अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स,
प्लस दूसरी बार में वन अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, और थर्ड में हो जाएगा मेरा ये वन अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और ये है वन अपॉन या डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई साथ रख लेते हैं, थोड़ा सा जमाना पड़ेगा हमारे को, वन अपॉन वाई इंटू डी एक्स और माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस इसी तरह से आप इसको साथ रख दीजिए वन अपॉन जेड डी वाई और माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। और प्लस एक टर्म जो बच गया है वन अपॉन एक्स डी जेड माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप देखें ये दो दो के पेयर में क्या बन गया आपका, ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई है। ये हमारे को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये डेरिवेटिव ऑफ आपका वाई जेड है और प्लस ये डेरिवेटिव ऑफ ये जेड एक्स है। अब आप इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग। डी ये क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन जेड प्लस जेड अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने केवल एक स्टेप में, केवल आप ये ध्यान रखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आप डिवाइड करा दें तो ये इक्वेशन हमारी इस इक्वेशन में सॉल्व हो जाती है। ये हमने होमोजीनियस इक्वेशन के सवाल किए हैं, इनमें आप सिंपली होमोजीनियस हो और कुछ आपको आइडिया नहीं हो तो यू आप क्या करें, ये सब्स्टिट्यूशंस पुट कर लें, एक्स इज इक्वल्स टू यू जेड, वाई इज इक्वल्स टू वी जेड, डी एक्स बराबर जेड डी यू प्लस यू डी जेड और डी वाई बराबर जेड डी वी प्लस वी डी जेड। ये सब्स्टिट्यूशंस पुट करके उसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में लिख लें ताकि वो इंटीग्रेबल दिख जाए इक्वेशन, और वहाँ से आप सीधा इंटीग्रेशन कर सकें, क्योंकि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को यहाँ पर इंटीग्रेट करना मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। ये देखिए स्टेप पे जो देखा है हमने, इंस्पेक्शन मेथड में भी इसी तरह से स्टेप्स लाए हैं। ये जो स्टेप्स लाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस तरह की टोटल इक्वेशन में, हमारे को ये स्टेप किसी भी मेथड से आए तो ये स्टेप लानी है। थैंक यू। ये हमारा टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ। इसका आगे के चैप्टर के वीडियो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।